मैं लगभग 70 पहुंचने वाला हूं, नौजवानों से जंग कर रहा हूं और 7 महीने से कर रहा हूं। अब 65 साल के आदमी तो अक्सर बिस्तर पर लेट जाते हैं और इतनी उम्र होने के बाद भी आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हूं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपके प्रतिभा सम्मान में कोई कमी आने वाली बिल्कुल नहीं है। दम उठाने को दुनिया में नेताजी खड़े, मुस्कुराने के दिन है नया है भरो। भाजपा के गोंडा कैसरगंज सीट से सांसद बृजभूषण सिंह को आपने गुस्से में, रुतबे में गाड़ी के बोनट पर बैठकर प्रचार करते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन शनिवार को बृजभूषण सिंह की एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जब उनके बेटे के बेटे को दादा के पास आकर सबके सामने आंसू पोंछने पड़ गए। पिछले दिनों जहां एक महिला पत्रकार के साथ बृजभूषण सिंह द्वारा अभद्रता की तस्वीरें देखने को मिली थी, लेकिन शनिवार को गोंडा में एक कार्यक्रम के दौरान बृजभूषण सिंह ऐसे भावुक हुए कि आंखों में आंसू छलछला उठे। दरअसल गोंडा के विपिन बिहारी शरण सिंह महाविद्यालय तरबगंज में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन सांसद बृजभूषण सिंह द्वारा किया गया था, जिसमें अयोध्या के संत और कथावाचक स्वामी दिनेशाचार्य जी भी मंच पर मौजूद थे। प्रतिभा सम्मान समारोह में छात्र छात्राओं को संबोधित करते जैसे ही स्वामी दिनेशाचार्य ने गीत गाना शुरू किया तो उनके साथ बैठे बृजभूषण सिंह भावुक हो गए और अपने आंसू पोंछने लगे। मुस्कुराने के दिन है नया है भरो, मुस्कुराने के दिन है नया है भरो, मेरे रहते न खुद को परेशान करो, खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए, खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए। इतना ही नहीं, छात्र छात्रा प्रतिभा सम्मान समारोह में सांसद बृजभूषण सिंह ने कई भावुक अपील भी की। बृजभूषण सिंह ने कहा कि कोई कहता है 66 साल का हूँ और कोई 67 का कह रहा है, मैं 65 साल का हूँ। अब 65 साल के आदमी तो हमेशा बिस्तर पर लेट जाते हैं, अब मैं 70 पहुँचने वाला हूँ और नौजवानों से जंग कर रहा हूँ, 7 महीने से कर रहा हूँ। मैंने 65 कहता है, कोई 66 कहता है, कोई 67 कहता है, चलिए है ना 65 साल का। तो मैंने कहा सर्वप्रथम निरोगी काया। अब 65 साल के आदमी तो अक्सर बिस्तर पर लेट जाते हैं और इतनी उम्र होने के बाद भी आपके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हूं, तो अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं। हम किताबों में पढ़ते थे कि इतनी उम्र में फला, इतनी उम्र में फला। मैं लगभग 70 पहुंचने वाला हूं, नौजवानों से जंग कर रहा हूं और 7 महीने से कर रहा हूं। यक्के उदल के जियारा पर चमके 3 लाख तलवार, जितना रहे चाहे वो हुआ छिपा रहे वो आएंगे, हुआ छिपा रहे वो आएंगे, वो सब आएंगे। ए मारते मारते मार नेताजी नेताजी, और नेताजी ललकारा था जय श्री राम है। तो सीखो भैया, क्योंकि मैं बोलता बहुत लेकिन गर्मी बहुत है, इसलिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, कहा कम समझना जाता, कहा कम समझना जाता। गोंडा से आंचल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।